सब्सक्राइब कीजिए सिंडवेंस किचन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। इट्स हेलो फ्रेंड्स, सिंडवेंस किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, कलेजी तवा फ्राई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। तो चलिए, इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो कलेजी बनाने वाले हैं, जो कलेजी तवा फ्राई बनाने वाले हैं, इसे कलेजी को हम बॉईल नहीं करेंगे। इसे मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है, जिसकी वजह से ये ऑलरेडी थोड़ा सा टेंडर हो चुका है। इसे परफेक्टली कैसे वॉश करना है, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप इसमें से इसे देख सकते हैं। इसे अगर आप उस तरीके से वॉश करोगे तो इसमें से कलेजी से जो स्मेल है वो भी चली जाएगी और ये कलेजी जो है वो थोड़ी सी टेंडर हो जाएगी, और इसे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कलेजी ले ली है, साथ ही 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट ले ली है मैंने, और इसके अलावा हमें कुछ सूखे मसाले चाहिए, पाउडर मसाले, वो देख लेंगे। तो पाउडर मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ले ली है, हल्दी पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून, गर्म मसाला पाउडर ले लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे, और धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। आप अगर चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ पे कलेजी को बनाने के लिए मैंने एक तवा चढ़ा दिया है और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, और इसे चलाते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि अदरक और लहसुन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। ठीक, देखिए 2 से 3 मिनट में ही अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कलेजी, जो मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करके रख दी है। चला देंगे इसे, और इसे चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट तक के तब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मिनट में जो है कलेजी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और थोड़ी सी टेंडर हो चुकी है। अब हम इसमें सारे मसाले हैं, पाउडर मसाले, वो ऐड कर देंगे, साथ ही में ऐड कर देंगे सॉल्ट, सॉल्ट आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसे मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हो जाएगी ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर देखिए, मसालों को डाल के हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, मसाले अच्छे से फ्राई होने लगे हैं। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक के ऐसे ही पका लेंगे ताकि जो कलेजी है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए। आप अगर चाहें तो इसे ढककर भी पका सकते हैं, और उसके बाद हम इसे सर्विंग डिश में सर्व कर देंगे। तो ये देखिए, देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और कलेजी जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुकी है। अब हम इसे हरा धनिया डाल के सर्व कर देंगे, इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, आज की हमारी बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी बनकर तैयार है, और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आज की हमारी जो रेसिपी है वो बनकर तैयार है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।